अभी अभी आम आदमी पार्टी गुजरात यूनिट से एक सूचना आई है, गुजरात की जो क्राइम ब्रांच है पुलिस की, उसने आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे बड़े जिम्मेदार और वरिष्ठ साथी गोपाल इटालिया जी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का, उनके अंदर की घबराहट का इससे बड़ा कोई प्रमाण, इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं हो सकता कि जहां एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी आरोपों में, बेबुनियाद आरोपों में, बेसिर पर के झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके जेल के अंदर कैद करने में लगी हुई है। बौखलाहट किस बात की? भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गुजरात से उन्हें हमेशा जीत मिलती रही, गुजरात के जिस सियासी किले को भाजपा हमेशा अभेद्य मानती रही, दम भरती रही इस बात का कि कोई इस किले में घुस नहीं सकता, आम आदमी पार्टी के दिलेर कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उसी 27 साल पुराने किले में सेंध लगाई और न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि 35 सीटों पर हजारों वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी। भाजपा दरअसल आम आदमी पार्टी को वहां 40 से अधिक सीटों पर जीतता हुआ देख रही है ऑलरेडी, और यह उनके अंदर की घबराहट की सबसे बड़ी वजह है। राजनीतिक प्रचार प्रसार के दौरान कही गई बातों से नहीं तो वे इतना नहीं घबराते कि केस हो और जेल में डाल दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। पाटिल साहब नाराज है, सांगवी साहब नाराज है, मैं एफिडेविट चेक कर रहा था, गिरफ्तारियों का सिलसिला किस कदर एक तरफा है इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि 2014 के एफिडेविट में पाटिल साहब पे 108 केस थे और अब जाके देखिएगा 0 केस हैं। ये जादू कैसे हुआ भाई? किसी कानूनी जानकार की नजर इस तरफ भी तो हो, कोई एजेंसी इस ओर भी तो रुख करे अपना, लेकिन नहीं, उनको डर, उनको घबराहट सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है, आम आदमी पार्टी से, इसलिए गिरफ्तारियां भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की हो रही है। हकीकत यह है कि भाजपा ने, प्रधानमंत्री महोदय ने बिन कहे इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि अगर विपक्ष में कोई एक पार्टी है जो उनका सुपड़ा साफ कर सकती है, जिसकी स्वीकृति धीरे धीरे देश के कोने कोने तक पहुंच गई, जिस पार्टी ने देश के हर एक प्रदेश में आम लोगों के दिल में अपना घर कर लिया, और देश की आम जनता जिस पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही भारतीय जनता पार्टी का देश के राजनीतिक धरातल से सफाया कर सकते। और ये आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक जान चुका है कि ये एक एक करके सबको गिरफ्तार करके जेल के पीछे डालेंगे,
दुर्भाग्यपूर्ण यह कि भाजपा अभी तक नहीं जान पाई कि एक एक करके और चाहे इकट्ठा आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता शुभचिंतक मंत्री सांसद विधायक सबको जेल में डाल दो, पर ये सब केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के चेले हैं, बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने वाले देशभक्त दिलेर जाबाज भारत माता को प्यार करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो न तो इनका नेता झुकेगा, न केजरीवाल झुकेगा और न आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता झुकेगा या रुकेगा। हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि ईडी सीबीआई पुलिस क्राइम ब्रांच इनकम टैक्स ये जितने भी तुम्हारे अनुषांगिक संगठन हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करने वाली एजेंसियां हैं, इनको सबके पीछे लगा के सबको गिरफ्तार कर लो, चाहे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, केजरीवाल अब रुकेगा नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल जमानत मिल गई है, लेकिन गिरफ्तार करके एक संदेश देने की का कुत्सित प्रयास भाजपा कर रही है कि हमारे खिलाफ अगर आप बोलोगे, हमारी गलतियों को उजागर करोगे, हमारे गुनाहों के ऊपर से पर्दा हटाओगे तो भाजपा कह रही है कि हम तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो उनको और उनके सिपाही कह रहे हैं कि हम भी रुकेंगे नहीं।